सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अवतार द वे ऑफ वाटर, मतलब कि अवतार 2 मूवी के ओटीटी रिलीज के बारे में, कि हिंदी में कब आप लोग कोई मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी। रिसेंटली इसी के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट्स हमने निकल कर आई है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ उसको शेयर कर देते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भाई, 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी अवतार 2, जिसका अभी करंटली बताया जा रहा है कि 500 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जिसने 2 बिलियन के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था। तो आप लोग समझ लो कि भाई मेकर्स अभी करंटली पैसों में खेल रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई वो लोग और एक्स्ट्रा पैसा कमाएं। एंड इसी वजह से इस मूवी के ओटीटी रिलीज से पहले ही इसका वीओडी प्रीमियर करा गया था, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा फुटेज के साथ इस मूवी को रिलीज करा गया। एंड अभी करंटली वही आप लोग को देखने को मिलता है, जहां पे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इस मूवी को बाय रेंट कर सकते हो। अब देखो भाई, पहले अपडेट्स ऐसी थी कि जैसे इस मूवी का वीओडी प्रीमियर कंप्लीट होगा, उसके बाद मूवी आप लोग को लाइक मे के मंथ में देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। बट बिकॉज ऑफ कि अभी करंटली इसका वीओडी प्रीमियर भी काफी अच्छा ही कर रहा है, एंड रिसेंटली एंटमैन को भी वीओडी मॉडल पर रिलीज कर दिया गया है, बल्कि एंटमैन तो इस मूवी के बाद रिलीज हुई थी। तो आप लोग समझ लो कि अभी करंटली डिज्नी की 2 मूवीज हैं जो आप लोग को वीओडी पे देखने को मिल जाती हैं, जहां पे आप लोग उनको इंग्लिश लैंग्वेज में बाय रेंट कर सकते हो। अब देखो, पहले ऐसा लग रहा था कि आप लोग को एंटमैन से पहले ही अवतार 2 का जो ओटीटी प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी करंटली उसके चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। बिकॉज करंटली जो नई रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस मूवी का आप लोग को जो ओटीटी प्रीमियर है इंडिया के अंदर, वो आप लोग को शायद एंटमैन मूवी के बाद देखने को मिले, क्योंकि अभी करंटली जो एंटमैन का ओटीटी प्रीमियर एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो मे के मिड तक है, जो कि आप लोग को बताया जा रहा है कि 15 से 20 के बीच में देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि एंटमैन मार्वल की मूवी है एंड मार्वल की मूवी ज्यादातर 1 महीने के वीओडी प्रीमियर के बाद अपना ओटीटी प्रीमियर कर देती है। एंड बिकॉज ऑफ कि आप लोग को भाई अवतार 2 एंड एंटमैन दोनों का ही ओटीटी प्रीमियर इंडिया के अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि आप लोग को शायद एंटमैन के बाद जो अवतार 2 मूवी है वो हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिले। अब देखो, अगर बात करें कि आप लोग को अवतार 2 का ओटीटी प्रीमियर कब तक देखने को मिलेगा, तो अभी करंटली बताया जा रहा है कि आप लोग को मे लास्ट से जून के फर्स्ट वीक में इसका जो ओटीटी प्रीमियर है वो देखने को मिल सकता है। इसके करंटली चांसेस काफी ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी बोल रही है कि इसका ओटीटी प्रीमियर आप लोग को जुलाई तक देखने को मिलेगा, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि जुलाई तक इसकी ओटीटी रिलीज को खींचा जाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ज्यादातर वीओडी के बाद मूवीज रिलीज होती है। बिकॉज अवतार को थिएटर में रिलीज हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, एंड उन्होंने वीओडी के ऊपर भी अच्छा खासा लाइक रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, प्लस एक्सटेंडेड कट भी उनका बिक चुका है। तो मतलब अब सिर्फ उनका ओटीटी रिलीज ही बाकी है डिज्नी प्लस के ऊपर, एंड वो आप लोग को मे लास्ट से जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। करंटली रिपोर्ट रिगार्डिंग चांसेस तो काफी ज्यादा है इस चीज के। एंड इससे पहले साथ आप लोग को एंट मैन मूवी का हिंदी में ओटीटी प्रीमियर देखने को मिल जाए, तो मतलब अभी करंटली चांसेस काफी ज्यादा है कि आप लोग को मे के मंथ में 2 बड़ी मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इन लोग के ओटीटी रिलीज में कोई भी चेंज होता है देन वो मैं आप लोग को फ्यूचर में बता दूंगा। अभी करंटली आप लोग इस अपडेट पे स्टे कर सकते हो। आप लोग बताना में से कितने लोग अवतार 2 मूवी के ओटीटी पर रिलीज होने का वेट कर रहे हो, खासतौर से हिंदी लैंग्वेज में। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।